हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका टाइटल है द गिफ्ट ऑफ द मजाय। गिफ्ट ऑफ द मजाय एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी है जो लगभग हर लिटरेचर में कहीं ना कहीं आपको ये सिलेबस में मिलेगी। इसके जो राइटर हैं विलियम सिडनी पॉटर, इस नाम से इनको कम जाना जाता है। इनको जाना जाता है इनके पेन नेम ओ हेनरी के नाम से इनको जाना जाता है। पेन नेम का मतलब हुआ कि ये जो भी कुछ लिखते थे वो इस नाम से लिखते थे, ओ हेनरी के नाम से। इनका ओरिजिनली नाम था विलियम सिडनी पॉटर और अमेरिकन ऑथर थे, बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हुई है और अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है द गिफ्ट ऑफ द मजाय, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। कहानी में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताते हुए डायरेक्ट हम टेक्स्ट पर आते हैं और टेक्स्ट को देखेंगे, समझेंगे। ये क्योंकि इस स्टोरी पे काफी मूवीज में अडेप्टेशन हो रखा है तो ये आपको काफी जगह मूवीज में भी मिल जाएगी। ये है विलियम सिडनी पॉटर, अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को, टेक्स्ट को पढ़ते हैं। आराम से इसको ध्यान से पढ़ना, जो जो वर्ड अच्छा इंटरेस्टिंग वर्ड आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, नोट करते जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। $1.87, $1.87, दैट वॉज ऑल। ये वो थी अमाउंट जो राइटर बता रहा है कि जो उसके पास थी। शी हैड पुट इट असाइड। पुट इट असाइड का मतलब होता है सेव, जो उसने सेव की थी, जमा की थी। वन सेंट एंड देन अनदर, एक एक करके, एक एक सेंट इकट्ठा करके उसने जो इकट्ठे किए थे वो रुपए कितने थे, $1.87। इन हर केयरफुल बाइंग ऑफ मीट एंड अदर फूड, जब भी वो खरीदारी करने जाती तो एक एक सेंट को इस तरीके से खरीदारी करती, चाहे वो मीट खरीद रही है, फूड खरीद रही है, एक एक सेंट को वो बचाती। देला काउंटेड इट 3 times, देला ने 3 बार इन रुपए को गिना। $1.87, रुपए जितने थे उतने ही रहने थे। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और अब अगला दिन क्रिसमस का है, उसके पास में $1.87 ही है। तो ये क्या करने जा रही है, क्रिसमस है, $1.87 है। देर वॉज नथिंग टू डू बट फॉल ऑन द बेड एंड क्राई, सो देला डिड इट। डेला के पास में और कुछ करने को नहीं बचा था, वो क्या किया उसने, वो गई अपने रूम में, अपने बेड पे गिर गई और रोने लग गई। ये डेला ने किया क्योंकि वो यही कर सकती थी। व्हाइल द लेडी ऑफ द होम इज स्लोली ग्रोइंग क्वाइटर, राइटर कह रहा है कि अभी डेला रो रही है, तो चलो जब तक वो शांत हो जाती है, क्वाइट का मतलब शांत, जब तक वो शांत हो जाती है, वी कैन लुक एट द होम। राइटर कहता है चलो मैं आपको उसका घर दिखाता हूँ, बताता हूँ उसके घर के बारे में। फर्निश्ड रूम्स एट द कॉस्ट ऑफ $8 a week, $8 a week के उसमें कैसा घर फर्निश्ड मिल सकता है। वो कहता है आप समझ सकते हो, दिस इज लिटिल मोर टू से अबाउट इट, अब इससे ज्यादा तो और क्या बता सकता हूँ, और कुछ नहीं है बताने को। इन द हॉल बिलो वॉज अ लेटर बॉक्स, नीचे वाला हॉल है उसमें एक लेटर बॉक्स है, टू स्मॉल टू होल्ड ए लेटर, इतना छोटा है कि शायद उसमें लेटर भी नहीं आ पाए। देर वॉज एन इलेक्ट्रिक बेल, एक इलेक्ट्रिक बेल है लगी हुई, बट इट कुड नॉट मेक अ साउंड, लेकिन इससे भी बेल बजती नहीं है, खराब हो रखी है। ऑल्सो देर वॉज अ नेम बिसाइड द डोर, और दरवाजे के पास में एक नाम भी लिखा हुआ है, और नाम क्या है, मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग। ये इस कहानी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम वो कह रहा है कि गेट पे नेम प्लेट पे लिखा हुआ है, मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द नेम वाज प्लेस्ड देयर, जब ये नेम प्लेट लगाई गई थी दीवार पर, मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग वाज बीइंग पेड $30 a week, मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग जो है उनको $30 एक सप्ताह की तनख्वाह मिलती थी, इतनी उसकी उनकी सैलरी थी। नाउ व्हेन ही वाज बीइंग पेड ओनली $20 a week, अब जब उनकी सैलरी हो गई, बहुत कम हो गई, $20 एक सप्ताह के हो गए, द नेम सीम्स टू लॉन्ग एंड इम्पोर्टेंट, अब ऐसा लगता है कि नाम
ज्यादा अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा और ज्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देना चाहिए। इट शुड परहैप्स हैव बीन मिस्टर जेम्स डी यंग। ये यहाँ पर मीनिंग हो गया कि उनकी उसकी प्रतिष्ठा भी, उसके जो इमेज है वो भी उसमें भी कमी हो रही थी। बट व्हेन मिस्टर जेम्स डीलिंगम यंग एंटर द फर्निश्ड रूम, जब मिस्टर जेम्स डीलिंगम यंग ने इस फर्निश्ड रूम में अपने घर में एंटर किया या करता था, हिज नेम बिकेम वेरी शॉर्ट इन डीड, तब उनका नाम बहुत शॉर्ट हो जाता था। मिसेज जेम्स डीलिंगम यंग, डीलिंगम यंग की वाइफ मिसेज जेम्स डीलिंगम यंग पुट हर आर्म्स वार्मली अबाउट हिम, वो क्या करती कि जाती और अपने पति के मिस्टर जेम्स डीलिंगम यंग के गले मिलती एंड कॉल हिम जिम। ये छोटे होने का मतलब क्या होगा, नाम छोटे होने का, कि जो मिसेज जेम्स डीलिंगम यंग थी वो अपने पति को जिम कहकर के पुकारती और उनके गले लग जाती। यू हैव ऑलरेडी मैट हर, शी इज डेला, राइटर कहता है कि आप उससे पहले ही मिल चुके हो, वो डेला है और यही वही है जो अभी रो रही थी। तो कहानी में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इसने राइटर ने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। डेला फिनिश्ड हर क्राइंग, डेला रो रही थी, अब वो चुप हो गई है। क्लीन द मार्क्स ऑफ इट फ्रॉम हर फेस, क्लीन का मतलब अपने चेहरे से रोने के आंसुओं के जो धब्बे लगे हुए थे वो उसने साफ कर लिए। She stood by the window, अब वो खिड़की के पास खड़ी हुई, and looked out with no interest, बिना किसी interest के, एकदम नीरस, with no interest का मतलब नीरस, बिना किसी भाव मुद्रा के वहाँ पर खड़ी होगी। Tomorrow would be Christmas day, कल क्रिसमस का दिन है, and she had only $1.87, उसके पास में सिर्फ $1.87 है, with which to buy Jim a gift, जिससे उसे जिम के लिए एक gift खरीदना है। क्रिसमस पे एक ऐसी ट्रेडिशन है, कस्टम है कि एक दूसरे को गिफ्ट दिए जाते हैं। वो अपने हस्बैंड के लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहती है। शी हैड पुट असाइड एज मच एज शी कुड फॉर मंथ, उसने कई महीनों में थोड़ा थोड़ा करके, पुट असाइड का मतलब, ये जो पुट असाइड है इसका मतलब होता है सेव, वो कई महीने लगा करके उसने थोड़ा थोड़ा करके ये अमाउंट इकट्ठी की थी, विद दिस रिजल्ट, एक दिस रिजल्ट का मतलब $1.87। $20 a week is not much, $30 एक सप्ताह के ज्यादा नहीं होते, $8 तो घर का खर्च ही हो गया, किराया हो गया। Everything had cost more than she had expected, हर चीज की जो कीमत है वो उसकी उम्मीद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। It always happened like that, हमेशा ऐसा ही होता था, जितना वो कमाते थे हर चीज की कीमत बढ़ती जाती और उसके रुपए थोड़े पड़ते जाते। Only $1.87 to buy a gift for Jim, हर Jim, उसके अपने पति जिम के लिए गिफ्ट के लिए सिर्फ $1.87 है, उसका खुद का जिम। She had many happy hours planning something nice for him, उसने कई अच्छे सब अच्छा समय बिताया था, अच्छे घंटे बिताए थे सिर्फ इस योजना में कि वो कुछ अच्छा अपने पति के लिए खरीदेगी। Something nearly good enough, कुछ अच्छा, कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए जो कम से कम उसकी इमेज के हिसाब से हो। समथिंग ऑलमोस्ट वर्थ ऑनर ऑफ बिलोंगिंग टू हिम, एक ऐसा गिफ्ट जो शायद जिम के पास रहेगा, उसके पास रहेगा तो उसके सम्मान के हिसाब का होना चाहिए, उसके सम्मान के लायक होना चाहिए, ऐसा गिफ्ट वो खरीदना चाह रही थी। देर वॉज अ लुकिंग ग्लास बिटवीन द विंडोज ऑफ द रूम, कमरे की खिड़कियों के बीच में एक शीशा लगा हुआ था, लुकिंग ग्लास हो गया, शीशा लगा हुआ था। Perhaps you have seen the kind of looking glass that is placed in the $8 furnished room. $8 के एक घर में, एक कमरे में कैसा शीशा हो सकता है? शायद आप अनुमान लगा सकते हो। It was very narrow, मतलब बहुत ही संकरा था। A person could see only a little of himself at a time. एक व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा ही उसमें देख पाता है, पूरा नहीं देख पाता एक बार में। However, if he was very thin, अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा thin होगा and moved very quickly और speed में उसके आगे से निकलेगा, he might be able to get a good view of himself, शायद वो अपने आप को पूरा देख पाए। Della being quite thin, चूंकि Della बहुत ही दुबली पतली थी, had mastered this art, वो इस art में अपने आप को शीशे में देखने में वो master हो चुकी थी, मतलब वो इस छोटे से शीशे में अपने आप को adjust करके देख लेती थी।
Suddenly she turned from the window and stood before the glass. फिर वो उस विंडो से अगर हट करके उसने शीशे की तरफ देखा. Her eyes were shining brightly. उसकी आंखें बहुत ही तेजी से चमक रही थी. But her face had lost its color. लेकिन चेहरे का मानो कलर बिल्कुल उड़ गया हो. Quickly she pulled down her hair. तभी उसने अपने बालों को स्पीड में quickly बालों को खोला. And let it fall to its complete length. बालों को खोल करके पूरा लंबा ऐसे खोल लिया. The James Dillingham Youngs were very proud of two things which they owned. दोनों जो हस्बैंड वाइफ हो गए ना, यंग्स का है मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों. दोनों के पास में एक ऐसी चीज थी दोनों के पास में जो उनकी बहुत ही कीमती चीज थी, जिस पे उनको गर्व था, जिस चीज पे उनको प्राउड था, गर्व था. और वो कौन सी चीज थी जो उनके पास थी? वन थिंग वॉज जिम्स गोल्ड वॉच. एक चीज जो जिम के पास थी वो थी उसकी गोल्ड वॉच, जो जिस पर उसको बहुत ज्यादा गर्व था. इट हैड वंस बिलोंग्स टू हिज फादर. किसी समय में ये उसके फादर के पास थी. एंड लॉन्ग एगो, और उससे भी पहले इट हैड बिलोंग टू हिज फादर्स फादर. इससे पहले वो उसके पिता के पास थी, उसके दादाजी के पास थी. द वन अदर थिंग वॉज डेलाज हेयर. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो डेला के पास थी वो थी उसके बाल. उसके बाल बहुत ही सुंदर, बहुत ही लंबे बाल थे. If a queen had lived in the rooms near theirs, शायद अगर queen जो है कोई रानी वहाँ उसके कमरे के आसपास कहीं रहती होती, Della would have washed and dried her hair where the queen could see it. और Della शायद वहीं पर खड़ी होकर के अपने बालों को धोती और उनको सुखाती, जहाँ पे queen, जहाँ से queen उसको देख सकती. Della knew her hair was more beautiful than any queen's jewels and gifts. तब डेला को पता चलता कि उसके बाल उस रानी के ज्यूल्स, हीरे जवाहरात और उसके गिफ्ट से भी ज्यादा सुंदर उसके बाल थे. इफ अ किंग हैड लिव्ड इन द सेम हाउस, और शायद इसी घर में कोई राजा रहता होता विद ऑल हिज रिचेस, अपनी सारी संपत्तियों के साथ में, सारी एसेट्स के साथ में, जिम वुड हैव लुक्ड एट हिज वॉच एवरी टाइम दे मेट. और जिम जब उससे मिलता और हर समय जब वो अपनी घड़ी को देखता राजा से मिलते हुए, Jim knew that no king had anything so valuable. शायद किसी भी राजा के पास में इतनी valuable कीमती चीज शायद नहीं होगी. So now Della's beautiful hair fell about her. जैसे अब Della ने अपने बाल खोले और वो नीचे गिरे, shining like a falling stream of brown water. मानो कि पानी का झरना, brown water का झरना जैसे नीचे गिर रहा हो, ऐसे उसके बाल नीचे, ब्राउन हेयर उसके नीचे गिरे. इट रीच्ड बिलो हर नी, उसके घुटने तक वो बाल पहुंचे. इट ऑलमोस्ट मेड इटसेल्फ इनटू अ ड्रेस फॉर हर. जब उसके बाल पूरे उसने लंबे किए तो मानो उस बालों से एक ड्रेस बन गई हो, इतने घने उसके बाल थे. एंड देन शी पुट इट अप ऑन हर हेड अगेन. फिर उसने फिर अपने बालों को बांध लिया, नर्वसली एंड क्विकली, बहुत ही नर्वस होकर के और स्पीड में. वंस शी स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए वो एक बार रुकी. And stood still while a tear or two ran down her face. और अचानक जैसे वो रुकी उसकी आंखों से एक दो आंसू की बूंदे टपकी. She put on her old brown coat. उसने अपना एक पुराना सा brown coat पहना. She put on her old brown hat. अपनी hat, brown hat, old hat पहनी. With a bright light still in her eyes. उसकी आंखों में अभी एक चमक थी. क्यों थी? She moved quickly out the door and down to the street. वो घर से बाहर निकली और सीधी सड़क रास्ता उसने पकड़ लिया. Where she stopped, the sign said. जहां पर वो रुकी एक जगह जाकर के, जहां पे एक साइन बोर्ड एक लगा हुआ था. साइन का मतलब साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था मिसेस सोफ्रोनी हेयर आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड. वहां पे ऐसा कस्टम हो कि कोई भी अपने बाल वहां पर बेच सकता है, लंबे बाल हो तो वहां जाकर के बेच सकता है. तो मिसेस सोफ्रोनी है वो बाल खरीदती थी हर तरीके के. Up to the second floor, Della ran. Second floor पर Della है वो दौड़ती भी गई. And stopped to get her breath. और वहाँ जाकर के उसने अपनी सांसों को थोड़ा कंट्रोल किया. Mrs. Sofroni, large, too wide. Mrs. Sofroni, लंबी चौड़ी हाइट होगी. Too wide, एकदम सफ़ेद, cold-eyed, बिल्कुल नीरस सी आँखें उसकी. Looked at her, उसने उसकी तरफ देखा. Will you buy my hair? asked Della. Della ने उसको कहा कि क्या आप मेरे बाल खरीद सकते हो.
आई बाय हेयर, सेड मिसेस सोफ्रेनी। मिसेस सोफ्रेनी ने कहा कि हाँ मैं बाल खरीदती हूँ। टेक योर हैट ऑफ, अपने हैट को हटाओ, एंड लेट मी लुक एट इट, और मुझे इसको देखने दो। डाउन फेल द ब्राउन वाटरफॉल, जैसे ही उसने मानो अपनी हैट हटाई और उसने देखा कि मानो उसके बाल जैसे नीचे गिरे, ऐसे लगा जैसे पानी का झरना नीचे गिर रहा हो। $20, said Mrs. Sofrani. Mrs. Sofrani ने बालों को देख करके कहा मैं इसके $20 दूंगी। लिफ्टिंग द हेयर टू फील इट्स वेट, उसके बालों की वेट को देख करके, अपने अनुभवी हाथों से देख करके, उसने कहा कि मैं $20 इसके दे सकती हूँ। गिव इट टू मी क्विकली, क्विक, said Ella. Ella ने कहा कि जल्दी मुझे अब दो ये $20 और मेरे बाल ले लो। ओ द नेक्स्ट टू आर सीन टू फ्लाई, जैसे उसने $20 लिए, अपने बाल काट करके बेच दिए, 2 घंटे मानो हवा की तरह उड़ रहे थे, 2 घंटे निकल गए। शी वॉज गोइंग फ्रॉम वन शॉप टू अनदर टू फाइंड अ गिफ्ट फॉर जिम, वह जिम के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान दौड़ती भी जा रही थी, और समय जैसे 2 घंटे निकाल दिए उसने। शी फाउंड इट एट लास्ट, आखिरकार एक ऐसी दुकान पर पहुंची जहां पर उसे अंत में एक गिफ्ट मिला। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम, और शायद ये गिफ्ट जिम के लिए बना था। And no one else, और शायद ये किसी और के लिए नहीं बना। There was no other like it in any of the shops. ऐसा gift किसी भी shop में अभी तक नहीं था। And she had looked in every shop in the city. उसने शहर में हर दुकान पर खोज लिया था, लेकिन ऐसा gift किसी दुकान में नहीं था। It was a gold watch chain. ये एक सोने की chain थी, घड़ी, जो घड़ी में से बांधी जाती है। Very simply made, बहुत ही सिंपल सी बनी हुई थी। Its value was in its rich and pure material. इसके value किस में थी? इसके rich और pure material में थी। बहुत ही साधारण थी, लेकिन चूंकि pure gold की बनी हुई थी तो बहुत ही अच्छी थी। Because it was so plain and simple, ये इतनी साधारण सी और एकदम plain थी, you knew that it was very valuable. आपको वो बता रहा है कि आप इसकी कीमत समझ सकते हो कि ज्यादा कोई डिजाइन नहीं थी, बहुत साधारण थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। ऑल गुड थिंग्स आर लाइक दिस, सारी अच्छी चीजें ऐसी होती है, दिखने में साधारण होती है लेकिन उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। इट वॉज गुड एनफ फॉर द वॉच, उसकी घड़ी के लिए, शायद जिम के पास में ऐसी घड़ी, जैसे उसने बताया था कि उसके पास में एक बहुत ही कीमती पजेशन है, वो है उसके पेरेंट्स की एंसेस्ट्रल एक घड़ी पड़ी है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चेन थी। As soon as she saw it, जैसे ही उसने उसे देखा, she knew that Jim must have it. उसे लग गया कि ये गिफ्ट तो जिम के पास जाना चाहिए। It was like him. ये उसी, ये गिफ्ट भी जिम की तरह था। Quietness and value, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे शांत हो और valuable, कीमती हो। Jim and the chain both had quietness and value. जिम भी जैसे बहुत ही शांत, लेकिन बहुत ही कीमत थी उसकी अपनी पति के लिए, तो बहुत ही, वो मान रहे थे कि शांत और कीमती है पति जिस तरीके से, उसी तरह ये चेन भी बहुत ही साधारण सी, साधारण है और कीमती है। She paid $21 for it. उसने उसके लिए $20 पे किए। $21, ठीक है। She had hurried home. वह तेज गति से अपने घर गई with a chain and 87 cents. क्योंकि उसके पास में 1.87 पहले थे, 20 उसने और खरीदे, तो 21.87 सेंट्स उसके पास थे, जिसमें से 21 सेंट्स उसने जो है चुका दिए थे उस चेन के लिए। अब उसके पास में 87 सेंट्स थे जो लेकर के वो घर चली गई। With that chain on his watch, उस चेन के साथ में जब वो घड़ी से जुड़ेगा, Jim could look at his watch and learn the time anywhere he might be. जिम की जब भी इच्छा होगी वो कहीं पर भी घड़ी निकाल करके समय देख सकता था। Though the watch was so fine, यद्यपि वो घड़ी तो बहुत अच्छी थी, it had never had a fine chain, इस पर इसमें कभी भी ऐसी चेन लगी हुई नहीं थी। He sometimes took it out, कई बार जब जिम को घड़ी देखनी होती तो वो उस घड़ी को बाहर निकालता, and looked at it only when no one could see him to do it. वो छिप करके घड़ी को निकालता, समय देखता, उसको अंदर रख देता, क्योंकि बिना चेन के घड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, और शायद जिम को शर्म आती थी, वो बिना चेन के घड़ी कोई देखता तो उसको शर्म आती, तो वो छिप करके समय दे करके घड़ी को रख देता। When Della arrived home, जब डेला घर पहुंची, her mind quieted a little,
उसका दिमाग कुछ समय के लिए एकदम शांत हुआ। शी बिगेन टू थिंक मोर रीजनेबल। अब उसका दिमाग काम करने लगा, माइंड में रीजंस लॉजिक आने लगा। शी स्टार्टेड टू क्राई टू कवर द सैड मार्क्स ऑफ व्हाट शी हैड डन। अब उसको लगा कि ये उसने क्या कर दिया, अपने बाल ही कटवा दिए और दुख के निशान उसके, मानो दुख की छाप उसके चेहरे पर आ चुकी थी जिसको वो हटाने की कोशिश कर रही थी। लव एंड लार्ज हार्टेड गिविंग, प्यार हो और फिर बड़ा दिल रखते हो कुछ देने का। व्हेन एडेड टुगेदर, जब ये दोनों चीज एक साथ जुड़ जाए, कैन लीव डीप मार्क्स। तो ऐसे कभी दुख के निशान मिलते ही है हर एक व्यक्ति को। प्यार होता है और बड़ा दिल होता है तो आप कुछ भी न्योछावर कर देते हो। वैसा ही देला के साथ हुआ। इट इज नेवर इजी टू कवर दीज मार्क्स योर फ्रेंड्स, नेवर इजी। राइटर कहता है कि ऐसे निशान को छिपा पाना बहुत मुश्किल होता है मेरे दोस्तों, बहुत मुश्किल और शायद बिल्कुल भी आसान नहीं होता ये। विदिन 40 मिनट्स हर हैड लुक्ड अ लिटिल बेटर। 40 मिनट्स में उसका सिर कुछ सही दिखने लगा। विद हर शॉर्ट हेयर, अपने छोटे छोटे बालों के साथ में, शी लुक्ड वंडरफुली लाइक अ स्कूल बॉय, एक स्कूल बॉय की तरह दिखने लग गई। शी स्टूड एट द लुकिंग ग्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक उसने अपने आप को शीशे में देखा। इफ जिम डजंट किल मी, शी सेड टू हरसेल्फ। उसने अपने आप से बोल रही थी, बात कर रही थी कि अगर, इफ जिम डजंट किल मी बिफोर ही लुक्ड एट मी अ सेकंड टाइम, अगर सेकंड टाइम उसने मुझे देख लिया और उसने मुझे अगर नहीं मारा, उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब जिम मुझे ऐसे देखेगा तो शायद वो मेरा खून ही कर दे, मुझे मार देगा। लेकिन अगर उसने सेकंड टाइम मुझे देखा और मुझे नहीं मारा, he will say, I look like a girl who sings and dances for money। शायद वो मुझे ये कहेगा कि तुम ऐसे दिख रही हो जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसों के लिए गाता और नाचता है, ऐसी मैं लग रही थी। बट वॉट कुड आई डू, लेकिन वो सोचती है कि आखिर मैं क्या करती। ओह वॉट कुड आई डू विद अ डॉलर एंड 87 सेंट्स। $1.87 से आखिर वो कर क्या सकती थी, कौन सा गिफ्ट लाती अपने पति के लिए। एट 7 जिम्स डिनर वॉज रेडी फॉर हिम। 7 बजे अब जिम का डिनर बिल्कुल तैयार हो चुका था। जिम वॉज नेवर लेट। जिम था वो देरी से नहीं था, ही वॉज नॉट लेट। देला हेल्ड द वॉच चेन इन हर हैंड। देला के हाथ में वो चेन थी जो घड़ी के लिए लेकर आई थी। एंड सेट नियर द डोर वेयर ही ऑलवेज एंटर्ड। और दरवाजे के पास में बैठ गई थी, जब कभी भी जिम आता था तो वो वहीं पे बैठती थी। देन शी हर्ड हिज स्टेप्स इन द हॉल। उससे अचानक अब कदमों की आवाज हॉल में सुनाई देने लगी। एंड अ फेस लॉस्ट कलर फॉर अ मोमेंट। उसके शायद चेहरे से रंग उड़ने लग गया। शी ऑफन सेड लिटिल प्रेयर्स क्वाइटली अबाउट सिंपल एवरीडे थिंग्स। जब कभी भी ऐसे, जब उसको कोई डर होता है तो वो, उसकी आदत है डेला की कि वो भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देती छोटी छोटी बातों के लिए। और अब भी तो बहुत बड़ी बात हो गई थी कि उसने अपने बाल कटवा लिए, तो वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। नाउ शी सेड प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रेटी। बस जिम को इतना विश्वास दिला दो हे भगवान कि मैं अभी भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही हूँ, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। द डोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन। दरवाजा खुला और जिम अंदर उसने कदम रखा। लुक वेरी थिन, बहुत दुबला दिखाई दे रहा था। एंड ही वॉज नॉट स्माइलिंग, उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। पुअर फेलो, बेचारा जिम, ही वॉज ओनली 22, सिर्फ वो 22 साल का था। एंड विद अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ, 22 साल का और एक उसके पास सामने एक पूरा परिवार जिसकी, उसका परिवार जिसकी उसको ध्यान रखने की। ही नीडेड अ न्यू कोट, उसको एक नए कोट की भी जरूरत थी। एंड हैड नथिंग टू कवर हिज कोल्ड हैंड्स, उसके पास में अपने ठंडे हाथों को भी ढकने के लिए उसके पास में कुछ नहीं था। जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर, दरवाजे के अंदर आकर के वो रुक गया। ही वॉज एज क्वाइट एज अ हंटिंग डॉग व्हेन इट इज नियर अ बर्ड। वो वैसे ही बिल्कुल एकदम क्वाइट का मतलब शांत, इतना ही शांत था जैसे कोई शिकारी कुत्ता अपने किसी पक्षी के पास में शिकार के लिए जाता है और एकदम शांत होता है, वैसे ही वो शांत था। हिज आईज लुक्ड स्ट्रेंजली एट डेला, उसकी आंखें एकदम अजीब सी तरीके से डेला को देख रही थी। एंड देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन देम, उसकी आंखों में अजीब से, एक्सप्रेशन का मतलब अजीब से भाव थे, दैट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसको वो नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसके चेहरे पे ये क्या भाव आ गए। इट फिल्ड हर विद फियर,
और इसी कारण से वो डर गई थी। उसको लग रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके चेहरे पे ये भाव कैसे हैं, और इसी कारण से लैला बहुत ज्यादा भयभीत थी। इट वॉज नॉट एंगर, ना तो ये कोई क्रोध था, गुस्सा था, नॉट सरप्राइज, नॉट एनीथिंग शी हैड बीन रेडी फॉर, ना गुस्सा था, ना आश्चर्य था, और ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड हो, तैयार हो के इसका वो सामना कर पाती। तो इस कारण से वो डरी भी थी। ही सिंपली लुक्ड एट हर विद दैट स्ट्रेंज एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, वह उसके चेहरे पे ये अजीब से भाव को देख करके उसको वो जो जिम है अजीब से एक्सप्रेशन अपने चेहरे पे और उसको देख रहा था लैला को। लैला वेंट टू हिम, लैला उसके पास गई। जिम डियर शी क्राइड, वो रोने लगी, डोंट लुक एट मी लाइक दैट, इस तरीके से मेरी तरफ मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट, मैंने अपने बाल कटवा लिए, उनको बेच दिए। आई कुडंट लिव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ गिफ्ट, मैं तुम्हें इस क्रिसमस पर बिना गिफ्ट दिए नहीं रह सकती थी। माई हेयर विल ग्रो अगेन, मेरे बाल फिर से लंबे हो जाएंगे। यू वॉन्ट केयर विल यू, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा शायद, मैं ऐसा सोचती हूँ। My hair grows very fast, मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ते हैं। It's Christmas, Jim, let's be happy. वो कहती है कि जिम तुम गुस्सा मत करो, जैसा भी हो क्रिसमस है तो चलो खुशी से इसे मनाते हैं। You don't know what a beautiful nice gift I have got for you. वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा कितना सुंदर गिफ्ट लेकर आई। You have cut off your hair, asked Jim slowly. उसने धीरे से, जिम ने कहा तुमने अपने बाल कटवा लिए। He seemed to labor to understand what had happened. वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था कि आखिर ये क्या हो गया, वो समझने की कोशिश कर रहा था। He seemed not to feel sure he knew. जो उसे दिखाई दे रहा था वो श्योर नहीं था कि क्या ऐसा सच में हो सकता था क्या। Cut it off and sold it, said Della. Della ने कहा कि मैंने उसको कटवा दिए और बेच दिए। Don't you like me now? क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करते? आई एम मी जिम, वो से कहती है मैं ही तो हूँ ये, कोई दूसरी थोड़ी है। आई एम द सेम विदाउट माई हेयर, मैं तो वैसी हूँ जैसी मेरे बालों में पहले थी। जिम लुक्ड अराउंड द रूम, जिम ने रूम की तरफ देखा। यू से योर हेयर इज गॉन, उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, फिर से पूछा है कि तुम्हारे बाल जा चुके हैं। यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट, सेड लैला। लैला कहती है अब उन बालों को मत खोजो, वो जा चुके हैं। इट्स सोल्ड, मैंने उनको बेच दिया। आई टेल यू, मैं सच बता रही हूँ। Sold and gone too. बेच दिए, अब वो जा चुके हैं। It's the night before Christmas, boy. ये क्रिसमस से वाली रात है, क्रिसमस से जस्ट पहले वाली रात है। Be good to me. मेरे से अच्छा बर्ताव करना, because I sold it for you. क्योंकि मैंने मेरे बाल तुम्हारे लिए बेचे। Maybe the hairs of my head could be counted. शायद मेरे बालों को गिना जाना संभव हो सकता है। लेकिन she said, but no one could ever count my love for you, लेकिन मेरे प्यार को जो तुम्हारे लिए प्यार है उसको कोई काउंट कर पाए ऐसा संभव नहीं है, मैं इतना प्यार करती हूँ। बालों को गिनना असंभव होता है, पर उससे भी ज़्यादा जो असंभव है मेरा तुम्हारे प्यार को, मेरे लिए जो मेरे मन में तुम्हारे लिए जो प्यार है उसको काउंट कर पाना। Shall we eat dinner, Jim? चलो हम डिनर करते हैं, वो जिम से कहती है। जिम पुट हिज आर्म अराउंड हिज लैला, जिम ने अपने हाथ लैला के पर रखा। फॉर 10 seconds लेट अस लुक इन अनदर डायरेक्शन, अब एक अच्छा सा सीन, इमोशनल सीन चल रहा है। तो राइटर कह रहा है कि चलो 10 सेकेंड के लिए एक बार उनसे नजर हटाते हैं, जिम और लैला की तरफ। यंग कपल है तो एक इमोशनल सीन हो रहा है। $8 a week और $1 million a year, एक सप्ताह के $8 या फिर कोई $1 million हो एक साल के। How different are they? क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर है दोनों में? Someone may give you an answer. शायद कोई भी आपको ये आंसर दे सकता है, but it will be wrong. लेकिन वो गलत होगा। अब वो कहानी में थोड़ा सा अभी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। The Magi brought valuable gifts. Magi कौन थे वो बता रहा है यहाँ पर, मैंने आपको स्टार्ट में नहीं बताया था। Magi थे वो valuable, बहुत ही कीमती गिफ्ट लेकर आए थे। But that was not among them. लेकिन ऐसा जो gift था, valuable gift, शायद उन मजाए के पास भी नहीं था। My meaning will be explained soon. Writer कहता है कि मेरा
जो अर्थ है वो तुम जल्दी समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और इसीलिए मैंने भी आपको ये नहीं बताया कि मजाक कौन थे। फ्रॉम इनसाइड द कोट, अपने कोट के अंदर से जिम टुक समथिंग टाइड इन पेपर। जिम ने पेपर में बंधा हुआ कुछ निकाल के दिया। ही थ्रू इट अपॉन द टेबल, उसने वो टेबल पर फेंका। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी डेल, वो कहते डेल को कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो। ही सेड नथिंग लाइक अ हेयर कट कुड मेक मी लव यू लेस, तुम्हारे बाल कैसे भी हो इससे मेरे प्यार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ यू विल ओपन दैट, लेकिन जब तुम ये गिफ्ट खोल के देखोगे जो पेपर में डाला हुआ है, ये खोलोगी, यू मे नो वॉट आई फेल्ट वेन आई केम इन, तो तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसा महसूस हुआ जब मैं इस रूम में एंटर हुआ और मैंने तुम्हें देखा, तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ होगा, और मुझे कैसा महसूस हुआ तुम समझ जाओगे। व्हाइट फिंगर्स पुल्ड ऑफ द पेपर, उसने अपनी छोटी छोटी दुबली पतली उंगलियों से उस पेपर को हटाया। एंड देन अ क्राई ऑफ जॉय, और अचानक एक खुशी जैसे आई हो वो आई, चीख हुई। एंड देन अ चेंज टू टीयर्स, और जैसे ही खुशी से चिल्लाई और अचानक वो रोने में बदल गई, उसके आंसू आने लग गए। फॉर देयर ले द कॉम्स, क्योंकि उस गिफ्ट में पेपर में क्या रैप किया हुआ था, कंघियों का सेट था जो रैप किया हुआ था। द कॉम्स दैट डेला हैड सीन इन अ शॉप विंडो, एक वो कॉम्स का सेट जो डेला ने एक बार किसी दुकान पे देखा था। लव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबी समय से उसकी इच्छा थी उनको खरीदने की। ब्यूटीफुल कॉम्स, बहुत ही सुंदर कॉम्स थे जिस पर ज्यूल्स लगे हुए थे, परफेक्ट फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर, उसके बालों के लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट वो कॉम थे। शी हैड नोन दे कॉस्ट टू मच फॉर हर टू बाय देम, वो जानती थी डेला कि वो बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा महंगे है और वो नहीं खरीद सकती। शी हैड लुक्ड एट देम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ ओइंग देम, वो जानती थी कि वो कभी भी उनको नहीं खरीद सकती थी, तो बिना किसी उम्मीद के थी वो, उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि वो कभी भी उनको ओन कर पाएगी, रख पाएगी। नाउ दे वर हर्स, लेकिन देखो समय बदल गया, उसके हाथ में वो गिफ्ट आ चुका है जो कभी लेना चाह रही थी। बट हेयर्स वॉज गॉन, हेयर वॉज गॉन, लेकिन उसके बाल जा चुके थे। कंघियों का सेट मिल गया लेकिन अब बाल नहीं है। बट शी हेयर देम टू हर हार्ट, उसने एकदम अपने सीने से उस गिफ्ट को लगाया। एंड एट लास्ट वॉज एबल टू लुक अप एंड से, फिर उसकी तरफ देखा लास्ट में और फिर कहा, माई हेयर ग्रो सो फास्ट, जिनको सांत्वना दे रही है कि चिंता मत करो मेरे बाल बढ़ जाएंगे, तुम चिंता मत करो मैं इन कंघियों को यूज करूंगी। एंड देन शी जम्प्ड अप एंड क्राइड, फिर अचानक इसके बाद में वो एकदम जैसे कूदी और कूद करके चिल्लाई और कहा, ओह जिम हैड नॉट येट सीन द ब्यूटिफुल गिफ्ट, जिम ने अभी तक गिफ्ट वो सुंदर सा गिफ्ट नहीं देखा था। शी हेल्ड इट आउट टू हिम इन हर ओपन हैंड, उसने उसको बाहर निकाल करके उसके हाथ अपने हाथ पर उनको रखा। द गोल्ड सीम टू शाइन सॉफ्टली, वो गोल्ड चेन जैसे चमक रही थी सॉफ्टली, एज इफ विद हर ओन वार्म एंड लविंग स्पिरिट, उसकी एक प्यार से प्यारी मतलब फीलिंग्स के साथ में वो जैसे चमक रहा हो, ऐसा उसमें चमक थी। इजेंट इट परफेक्ट जिम, उसने कहा जिम को कि क्या ये परफेक्ट नहीं है गिफ्ट। आई हंटेड ऑल ओवर द टाउन टू फाइंड इट, मैंने पूरे कस्बे में छान मारा था इसके लिए। यू विल हैव टू लुक एट योर वॉच 100 times a day now, अब ये जब तुम्हारी घड़ी से तुम इसको जोड़ोगे, तुम 100 बार चाहे समय को सभी के सामने देखना। गिव मी योर वॉच, चलो लाओ मुझे तुम अपनी घड़ी दो। आई वॉन्ट टू सी हाउ दे लुक टुगेदर, मैं देखना चाहता हूँ कि ये घड़ी और उसमें चेन लग करके कैसे दिखाई देती है। जिम सेट डाउन एंड स्माइल्ड, जिम बैठ गया और मुस्कुराने लगा। अब क्यों मुस्कुराया, डेला सर ही उसने कहा, डेला लेट्स पुट आवर क्रिसमस गिफ्ट अवे एंड कीप देम अ वाइल, उसने कहा कि डेला इस गिफ्ट को एक बार किनारे रख दो ठीक है, और आओ बैठो, दे आर टू नाइस टू यूज नाउ, वो इतने अच्छे हैं लेकिन उनको हम अभी यूज नहीं कर सकते। अब क्यों यूज नहीं कर सकते, आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाय द कॉम्स, मैंने वो घड़ी तुम्हारे कॉम्स को खरीदने के लिए बेच दी। अब मैंने अपनी घड़ी बेच दी तुम्हारे कॉम्स के लिए, तो अब ये चेन मेरे किसी काम की नहीं है, और मैंने जो कॉम्स खरीदे थे तुम्हारे बालों के लिए, क्योंकि वो बाल नहीं बचे
तो वो कॉम्स भी अब किसी काम के नहीं है। तो वो कहता है कि ये गिफ्ट इतने अच्छे हैं लेकिन अभी हाल फिलहाल हम इसको यूज नहीं कर सकते, एंड नाउ आई थिंक वी शुड हैव आर डिनर। वो कहता है चलो सब छोड़ो, आओ हम डिनर करते हैं। यहाँ पर कहानी का खत्म होती है और राइटर कुछ कमेंट करता है, द मजाए। अब राइटर बता रहा है कि मजाए कौन थे। एज यू नो वर द वाइज मैन, वो बुद्धिमान व्यक्ति थे, वंडरफुली वाइज मैन, बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति। वो ब्रॉट गिफ्ट्स टू द न्यू बॉर्न क्राइस्ट चाइल्ड। मजाए वो थे जो जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था तब वो संत थे जो क्राइस्ट के लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे। दे वर द फर्स्ट टू गिव क्रिसमस गिफ्ट्स। वो थे क्राइस्ट का जन्म पे, उनको गिफ्ट देने आए थे, तो वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्राइस्ट को गिफ्ट्स दिए थे, क्रिसमस गिफ्ट दिए थे। बीइंग वाइज, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान लोग थे, देयर गिफ्ट्स वर डाउटलेस वाइज वंस। तो उनके गिफ्ट भी शायद समझ से भरे हुए और बहुत ही कीमती, बहुत ही अच्छे गिफ्ट होंगे। तो राइटर कहता है यहाँ से वो परंपरा शुरू हुई कि क्रिसमस पे गिफ्ट दिया जाता है। एंड हियर आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन हु वर नॉट वाइज। राइटर कहता है कि एक तरफ तो मैंने मजाई के बारे में बताया जिन्होंने क्राइस्ट को गिफ्ट दिए थे और बहुत ही अच्छे गिफ्ट दिए थे, और एक तरफ मैंने इन दो छोटे बच्चों की कहानी सुनाई है जो बिल्कुल भी समझदार नहीं थे। ईच सोल्ड द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ही ओन्ड इन ऑर्डर टू बाय अ गिफ्ट फॉर द अदर। दोनों ने क्या किया, हर एक ने क्या किया, अपनी सबसे कीमती चीज को जो उनके पास में थी वो उन्होंने क्या किया, सेल कर दी, बेच दी दूसरे के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए। बट लेट मी स्पीक अ लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दीज। तो राइटर कहता है कि उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए बेच दी। तो वो कहता है कि मैं लास्ट वर्ड बोलना चाहता हूं उन बुद्धिमान लोगों के लिए जो इनको मूर्ख समझ रहे होंगे, ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स। राइटर कहता है कि इन दोनों ने जो काम किया वो आज के समय में लोग मानेंगे कि मूर्खता भरा काम था। तो वो कहता है उनको मैं कुछ कहना चाहता हूं, और वो क्या कहना चाह रहा है राइटर, कि ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स, वो लोग जो आज गिफ्ट देते हैं, दीज टू वर द मोस्ट वाइज, उन सभी में सबसे ज्यादा बुद्धिमान ये दो बच्चे थे। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, हर वो व्यक्ति जो आज के समय में गिफ्ट देता है या रिसीव करता है, उन सभी में सच एज दे आर द मोस्ट वाइज, ये दोनों सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। एवरीवेयर दे आर द वाइज वंस, और चाहे पृथ्वी पे किसी जगह पे इनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं होगा, ये वास्तव में बहुत बुद्धिमान थे। दे आर द मजाए, ये दो दो बच्चे हैं ये वास्तव में सच्चे मजाए हैं। वो सच्चे मजाए हैं जिन्होंने अपने सबसे कीमती पजेशन को, संपत्ति को एक दूसरे के प्यार में समर्पित कर दिए, न्यौछावर कर दिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे लगता है आपको अच्छी कहानी अच्छी लगी होगी। पूरी कहानी को पढ़ करके उसको शॉर्ट समरी में एक दूसरे को बताने की कोशिश करना, समझाने की कोशिश करना, लोगों को पसंद आएगी ये कहानी। चलिए इस कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।